स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बेटा आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स विथ योर फैमिली। स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज स्ट्रेंथ्स। वाओ, व्हाट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना बच्चे। ट्रेन यानी कि कितना मज़ा आता है हम लोग उसमें सफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 3rd यूनिट 6 एंड टॉपिक नेम इज योर ट्रेन। आगे हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका पहले स्टूडेंट्स कुछ वर्ड और मीनिंग से जो अभी हम लोग देख लेते हैं। प्लेन, प्लेन मीन्स फ्लैट लैंड, यानी कि स्टूडेंट्स एकदम प्लेन रहता है। आपके घर की फ्लोर रहती है कैसे प्लेन रहता है? एकदम फ्लैट लैंड यानी कि ऊपर या नीचे नहीं, एकदम पैरेलल। पैसेंजर्स, ट्रेन में कौन बैठता है? पैसेंजर्स आदमी बैठते हैं, मालगाड़ी में सामान जाते हैं। पैसेंजर मीन्स पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, यानी कि जो एक व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है, ट्रैवलिंग। मेल, मेल मीन्स लेटर्स। प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स वैल्यूएबल यानी कि बहुत कीमती सामान। देन लोड, लोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिग एंड हैवी पार्सल। देखो स्टूडेंट्स कोई भी स्टेट में से दूसरे राज्यों में जाना है तो बड़े बड़े पार्सल बनता है जो कि ट्रक में नहीं आ सकता है। कुछ जो पार्सल स्टूडेंट्स ट्रक में आती है और कुछ जो होता है हमारी ट्रेन में आता है। नेक्स्ट विदाउट फेल, विदाउट फेल का स्टूडेंट्स मतलब रेगुलरली यानी कि कभी भी वो अटकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट रसिंग अन, रसिंग अन का मतलब होता है मूविंग विथ स्पीड यानी कि बहुत तेज से चलता है। डार्कनेस, डार्कनेस तो आपको पता है जिसका मतलब होता है अंधेरा यानी कि नाइट हो गया, रात। डस्क, DUSK, डस्क, डस्क का मतलब स्टूडेंट्स अर्ली इवनिंग। हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं ना, इसे शाम जैसे शुरू होता है, अर्ली इवनिंग, शाम की शुरुआत को हम कहेंगे डस्क। देन डाउन, इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग यानी कि सवेरे सवेरे। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस वर्ड एंड मीनिंग्स 3 times इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। आपको 3 बार इसको लिखना है और उसको याद भी करना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ट्रेन। ओपन योर टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड एंड पेज नंबर 53। वो देखे ना कितना बढ़िया सा ट्रेन का फोटो है। आप लोग को अच्छा लगता है ट्रेन में जाना? मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ट्रेन में जाना। कितना अच्छा अच्छा खाना आता है, कितना अच्छा अच्छा नाश्ता आता है, ये सब मज़ा आता है ना ट्रेन में। हम हमारी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं। ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Over the mountains, mountains का मतलब पहाड़ों और पर्वतों। Over the mountains यानी कि पहाड़ों और पर्वत के ऊपर। Over the plains, plains का मतलब हमने बताया था आपको यहाँ पे flatland यानी कि पहाड़ों पर्वतों और एकदम पैरेलल जमीन। ओवर द रिवर्स यानी कि बड़े बड़े जो नदी होते हैं, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वहाँ पे ब्रिज बना हुआ रहता है, ट्रेन गाड़ी भी उसमें जाता है, यानी कि पहाड़ों पर्वतों के ऊपर, प्लेन लैंड के ऊपर और नदियों के ऊपर। हियर कम्स द ट्रेन, देखो हमारी ट्रेन आ गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स
इन विदाउट फेल केयरिंग पैसेंजर्स, हमारी जो ट्रेन है पहाड़ों पर्वतों जमीन के ऊपर नदी के ऊपर वो क्या करता है, वो केयरिंग पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर का मतलब ए पर्सन हु इज ट्रेवलिंग, यानी कि जो एक सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। यानी कि बेटा हम लोग सूरत में रहते हैं, हमारे गांव अगर दूर है तो हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो उसको सफ़र कहेंगे। तो ट्रेन हम किस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं कैरिंग मेल। तो मेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेटर्स। स्टूडेंट्स आज की टेक्नोलॉजी में हम तुरंत ही अपने जो भी मैसेज है अपने फ्रेंड्स हो अपने फैमिली मेम्बर्स हो उसको तुरंत ही हम लोग मैसेज कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जहाँ पे गांव होगा जहाँ पे मोबाइल के टावर नहीं होगा आज भी हम लेटर्स लिखते हैं, वो लेटर क्या करते हैं पोस्टमैन लेके हमारे गांव में देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मानो कि आप बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, आप बिलोंग्स करते हैं केरला से। आप रहते हो कहाँ पे है, गुजरात में। आपके केरला में अगर छोटा सा गांव है वहाँ पे आपकी मोबाइल टावर नहीं है, देन हाउ कैन यू कॉन्वे योर मैसेज टू योर फैमिली मेम्बर्स। तो आपके मैसेज जो है आपके फैमिली मेम्बर्स के पास कैसे पहुँचेंगे, बाय लेटर्स। तो वो लेटर्स कौन हमारे लिए लेकर आता है, हमारी ट्रेन। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, प्रीसियस मीन्स वैल्यूएबल, यानी कि बहुत कीमती सामान। हम अगर कुछ चीज़ यहाँ से गांव भेजना चाहते हैं प्रीसियस यानी कि बहुत कीमती चीज़, वो भी पार्सल आदमी को हम लोग को सफ़र में लेके जाता है, हमारा लेटर्स भी लेके जाता है और हमारा बहुत बड़ा बड़ा या कीमती सामान जो है वो भी पार्सल बना दे के हम जमा करेंगे, तो वो भी ट्रेन हमारे लिए लेके आती है। इन विदाउट फेल यानी कि बेटा हम लोग थक जाएंगे लेकिन ट्रेन कभी भी नहीं थकता है, वो रेगुलरली उसकी काम करता रहता है, वो चलता ही रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स यानी कि हमारे जो फोर व्हीलर है हम जो उसमें बैठकर घूमने जाते हैं वो भी ट्रेन लेके आती है। ऑल रसिंग ऑन, रसिंग ऑन का मतलब मूविंग विथ स्पीड, यानी कि धीरे धीरे भी नहीं, इतने सारे वजन कार को भी वो अपने अपने में ले लेता है, उसका भी वजन उठा के थाउजेंड्स ऑफ, एक दो नहीं हजारों हजारों चीज वो भी उठा के ट्रेन हमारे लिए लेके आता है। थ्रू द डे एंड डार्कनेस यानी कि दिन में भी वो चलती रहती है और रात में भी चलता रहती है। दो द डस्क एंड डाउन यानी कि रात को भी चलता है दिन को भी चलता है। ये डस्क का मतलब अर्ली इवनिंग एंड डाउन का मतलब अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सवेरे शाम दिन रात ट्रेन चलती ही रहती है चलती ही रहती है। ओवर द माउंटेन्स ओवर द प्लेन्स ओवर द रिवर्स हियर कम्स द ट्रेन्स, यानी कि फिर से लास्ट में दिया गया है कि आपकी पहाड़ों पर्वतों आपकी नदियाँ आपकी प्लेन पैरेलल लैंड में ये सब में ट्रेन हमारे लिए बहुत अच्छे काम करती है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स है थ्री टाइम्स अपने नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको पीडीएफ के जरिए से सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।